हम पाकिस्तान में एक नई सर्विस मुतारिफ कराने जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये चीज करने जा रहे हैं, उसमें हम पहले एक छोटे जहाज के साथ इसकी इब्तदा कर रहे हैं कि उसको हम सॉर्ट ऑफ एरियल टूर्स या एरियल टैक्सी सर्विस के तौर पे मुतारिफ करा रहे हैं। इनिशियली हम उसको बलूचिस्तान और सिंध के लेवल पे रखेंगे। ये एक जहाज है जिसमें कि आप कार की तरह जो है वो 3 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी एप्लीकेशन भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि करीम और उबर भी इस पर आए और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और इस तरह से जो पाकिस्तान में जहाज अवेलेबल हैं उनके ज़रिए से ये वाली सर्विस को मुतारिफ कराएं। अभी हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो 8 जहाज़ हैं जिसमें सिंगल इंजन भी है, मल्टी इंजन भी है। अभी तक की जो कैपेसिटी है हमारे पास वो 4 सीटों की है, 4, 3 और 2 जहाज़ों की तादाद में इजाफा जो है वो आप बहुत जल्दी होता हुआ देखेंगे, क्योंकि जो 8 to 10 सीट वाले जहाज़ हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हम सिर्फ यही नहीं करने जा रहे कि हम ये सर्विस जो है वो सिर्फ अपने लिए मुतारिफ करा रहे हैं, हम इसको बाकी पाकिस्तान की एविएशन कंपनीज़ को भी पिच करेंगे और उनको हम इनवाइट करेंगे कि दे शुड यूज़ द सेम एप्लीकेशन। जैसे करीम और ऊबर के ऊपर देर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, उन्होंने सिर्फ अपनी गाड़ी लेके उसमें रजिस्टर करना होता है वो, तो इसी तरह की सर्विसेज जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो जहाज़ हैं हमारे पास पाकिस्तान में, हम उन सब लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं सो दैट दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंड्स इन द कंट्री। ये बजट से भी ज़्यादा बजट डील होगी उन लोगों के लिए जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करना चाहते हैं। जो लोग ट्रेवल करते रहते हैं उनको अंदाज़ा है कि इस्लामाबाद जाने आने के लिए आपको 50-60 लाख रुपए से लेके 1-1.5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद जा आ रहे हों, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ 10 लाख की बात कर रहे हैं। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी होगी, इसके लिए बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और इस लेवल पर हो सकती हैं कि आप ये देखिए कि आप जाएँगे सेम डे और वापस आ जाएंगे।